Hello everybody. Now let's continue our lecture with the concept of vernier calipers. Vernier calipers के concept को हम हमारे last lecture में समझ रहे थे. अब vernier calipers से किस तरह से reading note down की जाती है, किस तरह से लेंथ मेजरमेंट करा जाता है, इस बात को समझेंगे. और खास बात, हाउ वी गेट द लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 मिलीमीटर, हाउ द वर्नियर कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1/n मेन स्केल डिवीजन इट्स इक्वल टू लीस्ट काउंट, इस बात को भी समझेंगे. देखिए, हम सबसे पहले उस सिचुएशन को समझते हैं जब वर्नियर के दोनों जॉ जॉइंट एक साथ में हैं, उन दोनों के बीच में गैप जीरो है. व्हेन दिस इज द सिचुएशन, this jaw and the both lower jaw are joint. This is the situation. And similarly, we do not have any space between the two upper jaw as well. अपर जॉ और लोअर जॉ इस तरीके से स्लाइडिंग स्ट्रिप को स्लाइड करते हुए दोनों जॉ को मिला दिया. अपर जॉ लोअर जॉ के बीच में गैप जीरो और टेल भी जीरो हो गई. नाउ इफ वी हैव गॉट परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट, if it's a perfect instrument, इस सिचुएशन में मेन स्केल और वर्नियर स्केल में क्या सिचुएशन दिखेगी उसे मैं ड्रॉ करता हूं. वर्नियर स्केल जीरो वुड कोइंसाइड विथ मेन स्केल जीरो इस तरीके से. इफ दिस इज मेन स्केल जीरो, दिस मेन स्केल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दिस 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दिस मेन स्केल. और जो वर्नियर स्केल दिखेगी, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ में ओवरलैप करता हुआ दिखेगा. वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन मेन स्केल से हल्का सा पीछे दिखेगा, सेकेंड डिवीजन और पीछे, थर्ड डिवीजन और पीछे, फोर्थ डिवीजन और पीछे, फिफ्थ डिवीजन लगभग बीच में दिखेगा, सिक्स्थ डिवीजन और पीछे, सेवेंथ डिवीजन और पीछे, नाइन्थ डिवीजन और पीछे, टेंथ डिवीजन बिल्कुल, एट्थ नाइन्थ डिवीजन और टेंथ डिवीजन पूरी तरह से नाइन्थ डिवीजन के साथ में ओवरलैप करता हुआ दिखेगा. दिस वुड बी द सिचुएशन दैट यू विल ऑब्जर्व. हम कहते हैं वर्नियर स्केल के जीरो से पहले जितने भी मेन स्केल है, दैट इज मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल के जीरो से पहले जितने भी आपको मेन स्केल डिवीजन दिख रहे हैं, दैट इज मेन स्केल रीडिंग. हम कहते हैं
अब रीडिंग हम नोट डाउन करते हैं, रीडिंग हम ऐसे करेंगे, मेन स्केल डिवीजन हम जीरो कहेंगे या फिर मेन स्केल रीडिंग हम जीरो मिलीमीटर्स कहेंगे। वर्नियर स्केल के जीरो से पहले मेन स्केल के जितने भी डिवीजन है, दैट इज मेन स्केल डिवीजन रीडिंग, दैट इज नोटेड एज मेन स्केल रीडिंग, दैट इज जीरो मिलीमीटर्स। और वर्नियर स्केल का जो पहला डिवीजन किसी भी मेन स्केल के डिवीजन से ओवरलैप कर रहा है, वी नोटेड एज वर्नियर स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑल्सो जीरो, वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑल्सो जीरो, एंड इन दिस केस मेन स्केल रीडिंग भी जीरो है, हम वर्नियर स्केल रीडिंग भी जीरो ही कहेंगे। और ऑफकोर्स होना भी चाहिए, जब दोनों जॉ के बीच में किसी तरह का स्पेस है ही नहीं तो लेंथ को जीरो ही रीड होना चाहिए, मेन स्केल रीडिंग भी जीरो आ रही है, वर्नियर स्केल रीडिंग भी जीरो आ रही है। टेल की लेंथ जीरो है वर्नियर कैलिपर में, अपर जॉ के बीच में भी जो स्पेस है जीरो, लोअर जॉ के बीच में भी स्पेस जीरो, टेल की लेंथ भी जीरो, द टोटल रीडिंग इज जीरो। इफ द इंस्ट्रूमेंट इज परफेक्ट दिस वुड बी द सिचुएशन। नाउ अब जो खास समझना है, जब हम कोई रीडिंग लेते हैं, जैसे मैंने यह वर्नियर कैलिपर लिया और फॉर एग्जांपल मुझे इस मार्कर पेन का इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, और इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए मैंने इस तरीके से अपर जॉ के ऊपर कैप को रखा और कैप को इस तरह से बिल्कुल टाइट कर दिया। अब दिस इज द सिचुएशन। अब अपर जॉ के बीच में जो स्पेस है, इट्स मेजरिंग द इंटरनल डायमीटर ऑफ कैप, और शायद एक्सटर्नल डायमीटर भी कुछ इससे, इसके बराबर या इससे हल्की सी ज्यादा, हल्की सी बिल्कुल माइन्यूटली ज्यादा होनी चाहिए, सो दैट वह कैप इसके अंदर फिट हो जाए। अब इस सिचुएशन पर हम रीडिंग नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हम उस सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं, इफ वी कीप एनी ऑब्जेक्ट एंड If this is the situation of vernier caliper, हमने इस तरीके से internal diameter measure करने के लिए एक cap को ऐसे लगाया। Now let us say कुछ इस तरह की सिचुएशन मेन स्केल वर्नियर स्केल पर दिखती है आपको। मैं पहले ड्रॉ करता हूं और फिर उस सिचुएशन को हम कैसे देखेंगे यह समझाता हूं। मेन स्केल में फॉर एग्जांपल टू सेंटीमीटर से चालू कर दिया मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, this 3 centimeter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 centimeter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, this is 5 centimeter. यह मैंने मेन स्केल ड्रॉ करी। अब इसमें वर्नियर स्केल कुछ इस तरह से दिख रही है। मैं भी कुछ बोलता नहीं हूं, पहले ड्रॉ कर देता हूं, फिर ड्रॉ करने के बाद उसको देखने और पढ़ने का तरीका समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, वर्नियर स्केल में कुछ इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। देयर इज जीरो डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, फिफ्थ डिवीजन, सिक्स्थ डिवीजन, सेवेंथ डिवीजन, एट्थ डिवीजन, नाइन्थ डिवीजन एंड टेंथ डिवीजन। कुछ इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। नाउ ऑब्जर्व, एक बात पक्का है, वर्नियर स्केल में सिर्फ 10 ही डिवीजन है। ये जो स्लाइडिंग स्लाइडर होता है और इस स्लाइडिंग स्केल पर नीचे की तरफ यह 10 डिवीजन दिखते हैं हमें, और इन्हें ही हम वर्नियर स्केल कहते हैं। अब हाउ टू नोट डाउन द रीडिंग एंड हाउ टू कंक्लूड द लेंथ। सबसे पहले आप वर्नियर स्केल के जीरो को देखिए, और वर्नियर स्केल के जीरो से पहले मेन स्केल के कितने डिवीजन दिख रहे हैं। वर्नियर स्केल के जीरो से पहले मेन स्केल के कितने डिवीजन दिख रहे हैं। यह मेन स्केल ऊपर है, इधर 2 सेंटीमीटर मतलब 20 डिवीजन इधर हो चुके हैं। यह जो 2 है मतलब 2 सेंटीमीटर मतलब 20 डिवीजन हो चुके हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 3 सेंटीमीटर मतलब 30 डिवीजन। मेन स्केल के 25 डिवीजन हमें वर्नियर स्केल से पहले दिख रहे हैं। हम कहेंगे इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को मैं मेन स्केल डिवीजन इज 25। यह मेन स्केल डिवीजन नोट डाउन कर लिया जाएगा, और इसी से हम कहेंगे मेन स्केल रीडिंग इज 25 सेंटीमीटर मिलीमीटर्स। मेन स्केल रीडिंग इज 25 millimeters, because each main scale division is 1 millimeter. तो इस तरीके से हमने main scale reading note down कर ली। अब length, यह जो हम length measure कर रहे हैं, this is the length in which we are interested in, or this is the length जो measure करना चाहते हैं। हम कहते हैं दिस लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 25 मिलीमीटर, और कितना ग्रेटर है जरा देखिए। दिस वर्नियर स्केल, जब हम स्लाइडर को स्लाइड करते हैं तो वर्नियर स्केल स्लाइड करती है, वर्नियर स्केल का जीरो स्लाइड करता है। जब दोनों जॉ मिले हुए थे तब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ में कोइंसाइड कर रहा है, और जब इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए हमने स्लाइडर को स्लाइड करा और दोनों जॉ के बीच में स्पेस बढ़ाई और वह स्पेस एल हुई, तो यह वर्नियर स्केल का जीरो मूव करना चालू करा और वह मूव करते करते यहां तक आ चुका है। अब जरा देखिए वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के 25 डिवीजन के थोड़ा आगे है। कितना आगे है? लेट अस से दिस इज एक्स। ये जो आगे दिख रहा है
इसको हम x कह देते हैं, दिस स्मॉल लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर, इसको हम x कह देते हैं। तो मैं कहता हूं दैट दिस लेंथ शुड बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस x। मेन स्केल रीडिंग प्लस x, यह x क्या है, x इट्स दैट स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ 1 मिलीमीटर और मेन स्केल डिवीजन, जिससे वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल से आगे। मेन स्केल रीडिंग प्लस x, दिस इज द ट्रू लेंथ। अब इसे कैसे मेजर करेंगे, इस x को कैसे मेजर करेंगे? इसे मेजर करने के लिए ना व्हाट वी सी इज, एज आई टोल्ड यू, कि जब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ में ओवरलैप नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में वर्नियर स्केल का एक और सिर्फ एक डिवीजन आपको मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ में ओवरलैप करता हुआ दिखेगा। जब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ में ओवरलैप कर रहा है, तो आपको सीधा 10th डिवीजन ओवरलैप करता हुआ दिखेगा। इन दैट केस हम 0 रीडिंग नोट डाउन करेंगे। मगर जब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के डिवीजन के साथ में ओवरलैप नहीं कर रहा है एस हियर, तब आपको वर्नियर स्केल का एक और सिर्फ एक डिवीजन मेन स्केल के साथ में ओवरलैप करता हुआ दिखेगा। इसे देखने के लिए हल्का सा ध्यान से देखना पड़ता है, वर्नियर कैलिपर को दूर रख के आप यह चीज नहीं देख पाएंगे। देखने के लिए आपको वर्नियर कैलिपर को थोड़ा पास लाना पड़ता है, थोड़ा पास में लाकर आपको वर्नियर स्केल डिविजन्स को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है और यह देखना पड़ता है कि कौन सा डिवीजन आपको मेन स्केल के साथ में ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है। जरा देखिए, 0 डिवीजन नहीं है, फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है, सेकंड डिवीजन भी नहीं है, थर्ड डिवीजन मुझे मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ में ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है। फोर्थ डिवीजन पीछे हो गया, फिफ्थ डिवीजन, सिक्स्थ डिवीजन, सारे डिवीजन पीछे होते जा रहे हैं। मुझे थर्ड डिवीजन, दे 0 डिवीजन, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है। फोर्थ थोड़ा सा पीछे चला गया, फिफ्थ पीछे चला गया, सिक्स्थ पीछे चला गया। तो थर्ड डिवीजन जो ओवरलैप कर रहा है, मैं इसे ही नोट डाउन कर लूंगा, इसे ही मैं कहूंगा वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल रीडिंग। मैं कहूंगा वर्नियर स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या देना चाहिए, इट्स थर्ड डिवीजन। अब देखिए, मैं कहता हूं दिस ये जो थर्ड डिवीजन है जो ओवरलैप कर रहा है, इधर से ही मैं आइडिया डेवलप करने की कोशिश करता हूं, इस एक्स की वैल्यू को निकालने की कोशिश करता हूं। मैं कहूंगा मेन स्केल रीडिंग सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग प्लस थर्ड डिवीजन है, तो मेन स्केल का भी थर्ड डिवीजन होगा 1, 2, 3 जो ओवरलैप कर रहा है। तो यहां से यहां तक जो लेंथ हुई, आई राइट इट लाइक दिस, मैं जो इक्वेशन लिखा हूं बड़े ध्यान से देखना, मेन स्केल रीडिंग प्लस
3 into main scale division. Main scale reading, main scale reading, main scale reading तो वर्नियर स्केल के जीरो से पहले वाली रीडिंग हुई, मतलब यहां तक हुई, यहां तक मेन स्केल रीडिंग हुई थी, और फिर इसके बाद थ्री डिवीजन, जो थर्ड डिवीजन जो ओवरलैप कर रहा है, मैं यहां तक आ रहा हूं, मींस इस जगह तक आ रहा हूं, थ्री इंटू मेन स्केल डिवीजन प्लस 3 इंटू मेन स्केल डिवीजन. दिस इज लेंथ फ्रॉम 0 टू हियर एंड आई इक्वेट इट विथ दिस लेंथ L प्लस 3 इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन. नाउ दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द लेंथ L जो हम मेजर करना चाहते हैं प्लस 3 इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन. ऑब्जर्व दिस, observe this. Vernier scale जितना slide हुई है, that is total length L. Vernier scale जितना slide हुई है, that is total length L. ये यहां से ये जो vernier scale division है, यहां से इसके zero तक ये जो slide हुई है, length L से slide हुई है. लेंथ L वर्नियर स्केल का जीरो, लेंथ L से स्लाइड हुआ है, और इसके आगे थ्री डिवीजन, वो यहां तक की लेंथ है, तो लेंथ L प्लस 3 इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन इज अप टू दिस पॉइंट. और इसी चीज को मैंने मेन स्केल पर भी यहीं तक के लेंथ को मेजर कर लिया. यहां मेन स्केल के टर्म्स में मेजर्ड है अप टू दैट कोइंसाइडिंग डिवीजन, जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, उस कोइंसाइडिंग डिवीजन की दूरी मेन स्केल पर ऑब्जर्व करिए और वर्नियर स्केल पर ऑब्जर्व करिए. अब आप देखिए, मैं इस लेंथ L को इधर ही रहने देता हूं, 3 इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन इधर ले आता हूं, इस लेंथ L को इधर ही रहने दूंगा और मेन स्केल रीडिंग इधर ही प्लस 3 इंटू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल, 3 इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन. अब जरा आप देखिए, लेंथ L इज मेन स्केल रीडिंग प्लस 3 इंटू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन. अब जरा सोचिए, मेन स्केल रीडिंग जो हम नोट कर रहे हैं वह होगी, और मेन स्केल डिवीजन इन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, यह क्या था? तो लास्ट लेक्चर में बताया था, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन इज वर्नियर कांस्टेंट और इट्स लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट कैसे, यह भी बताऊंगा, इट्स आइदर वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट. और ये थ्री क्या है? थ्री इज इनफैक्ट वर्नियर स्केल रीडिंग. लेट मी generalize this concept as this length L is main scale reading plus vernier scale reading into least count. This is how we measure the length. If सबसे पहले इस basic expression को देखा जाए, लेंथ मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू
least count or vernier scale reading into vernier constant. Vernier scale reading into vernier constant. इस कंसेप्ट को मेमोराइज कर लीजिए. इस जगह पर जो हम लेंथ L कहेंगे दैट वुड बी, यह जो लेंथ L है 25 मिलीमीटर प्लस 3 इंटू 0.1 मिलीमीटर. लेंथ L इज 25 प्लस 0.3 मिलीमीटर. दिस लेंथ L इज 25.3 मिलीमीटर और दिस लेंथ L इज 2.53 सेंटीमीटर. इस जगह पर यह लेंथ कही जाएगी. जरा सोचिए, मैट्रिक स्केल से 25 मिलीमीटर से कम मेजर नहीं करा जा सकता, मगर वर्नियर कैलिपर के द्वारा हमने 25 मिलीमीटर के आगे और भी एक्यूरेसी पर 0.3 मिलीमीटर तक भी मेजरमेंट कर लिया, और भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में मेजरमेंट कर लिया. हम 25.3 मिलीमीटर इस इंटरनल डायमीटर को कहेंगे या 2.53 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर को कहेंगे. दिस इज द बेसिक एक्सप्रेशन. अब जो मैं अगली बात समझाना चाहूंगा दैट इज हाउ द लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीमीटर और हाउ द लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वर्नियर कांस्टेंट और हाउ द लीस्ट काउंट इज मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन. इस बात को समझाना चाहूंगा और फिर इस वर्नियर कैलिपर से मैं, यदि इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट नहीं हो तो क्या समस्या होती है. पहले इसी चीज को जरा थॉरली नोट डाउन करें. बड़े ध्यान से आपको जो खास बात समझना है, जब दोनों जॉ को ज्वाइन करा तब मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग जीरो कैसे हुई, और जब दोनों जॉ को हमने सेपरेट करा है, डिपार्ट करा है लेंथ L से, तो उस समय ये जो सिचुएशन बनती हुई दिखी, इस सिचुएशन में मेन स्केल रीडिंग क्या कही जाएगी. मेन स्केल रीडिंग इज द मेन स्केल डिविजन जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जीरो. और फिर वर्नियर स्केल डिवीजन क्या नोट डाउन करा जाएगा, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या नोट डाउन करी जाएगी. वर्नियर स्केल रीडिंग वह नोट डाउन करी जाएगी वर्नियर स्केल का जो डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ में ओवरलैप कर रहा है, वह वर्नियर स्केल रीडिंग नोट डाउन कर ली जाएगी. तो यह मेन स्केल डिवीजन हुआ, यह मेन स्केल रीडिंग हुई, यह वर्नियर स्केल रीडिंग हुई. फिर इसके बाद में हमने लेंथ L, विच इज द सेपरेशन बिटवीन द टू जॉ, विच इज द इंटरनल डायमीटर जो मेजर कर रहे थे, उसको हमने कैसे मेन स्केल रीडिंग प्लस एक्स लिखा. वह एक्स यह छोटी सी गैप है और किस तरीके से उसको मेन स्केल रीडिंग प्लस 3 इंटू मेन स्केल डिवीजन. ये जो 3 है क्या है, दिस 3 इज वर्नियर स्केल रीडिंग. क्योंकि जब वर्नियर स्केल का थर्ड डिवीजन ओवरलैप कर रहा है तो इधर से आप काउंट करेंगे तो मेन स्केल का भी थर्ड डिवीजन ही होगा. वह जब वर्नियर स्केल का थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो मेन स्केल डिवीजन आपने नोट डाउन कर लिया है, मेन स्केल रीडिंग नोट डाउन कर लिए. इसके बाद आपको मेन स्केल के भी 3 डिवीजन ही काउंट होंगे जो ओवरलैपिंग में आ रहे हैं. तो मेन स्केल रीडिंग के आगे आपने 3 इंटू मेन स्केल डिवीजन यह लेंथ और एड कर ली, और इसी लेंथ को आप नीचे वर्नियर स्केल से भी देख लेते हैं. लेंथ L यहां तक हुई है जहां वर्नियर का जो स्लाइडर है वो स्लाइड करा है लेंथ L से, उतना ही वर्नियर स्केल डिवीजन स्लाइड करा है प्लस दिस लेंथ दैट इज 3 इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन. और फिर इसको हमने रीअरेंज कर लिया. लेंथ L के लिए हमने यह लिख दिया 3 कॉमन. नाउ व्हाट इज दिस 3, दिस 3 इज इनफैक्ट वर्नियर स्केल रीडिंग.
MSG minus VSG की जगह लीस्ट काउंट एंड दिस इज द लेंथ. नोट इट डाउन, मैं लीस्ट काउंट का कंसेप्ट समझाऊंगा. प्लीज.